ऑलराइट, हे गाइस, फैजान बैक हियर विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक के बारे में, जिस जो कि है ब्रूट फोर्स। आपने टाइटल में मेरा देख ही होगा कि मैं ब्रूट फोर्स के बारे में आज बताने वाला हूं। सो मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई ब्रूट फोर्स बताओ। जब मैंने एथिकल हैकिंग की वीडियोज बना रहा था तो उसमें आए थे कि ब्रूट फोर्स बताओ, ब्रूट फोर्स क्या है। एंड लोगों को लगता है ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जो कि है, बट सारी एक्सप्लेनेशन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो बना रखी है, काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वीडियो बना रखी है, जैसे एड्यूरेका, ठीक है, इन सब ने इसके ऊपर वीडियो बना रखी। सो अब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा इस चीज की, क्यों है, क्या है और कैसे वर्क करती है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो एंड वीडियो कैसी लगी ये प्लीज बताना, ठीक है। वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, मैं ज्यादा कोशिश करूंगा ज्यादा लंबी ना करूं, ठीक है। सो आप सब्सक्राइब करो जब तक, बाकी मैं आप स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो के बारे में। तो ब्रूट फोर्स एक पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो तरह की लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले एक यूजर लिस्ट, दूसरा है पासवर्ड लिस्ट, ठीक है। ये दोनों लिस्ट बनाते हैं और एक वेबसाइट ढूंढते हैं जिसपे हमें अटैक करना है, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, और छोटी वेबसाइट का नाम नहीं ले रहा हूँ। सो सबसे पहले फेसबुक के बारे में जानते हैं। सो फेसबुक में क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा होता है, एक तो ईमेल का, फोन का, और सेकंड जो है वो पासवर्ड का, ठीक है। सो अभी इसको हटाते हैं साइड में, यहाँ पे दो फील्ड होनी चाहिए, एक यूजर की और एक पासवर्ड की। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक हिडन ट्रायल मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट में, यूजर वाली लिस्ट में, यूजर नेम वाली लिस्ट में यूजर नेम बहुत सारे ले आते हैं। एंड सेकेंड होती है पासवर्ड वाली लिस्ट, इसमें क्या करते हैं, पासवर्ड वाली लिस्ट में सारे पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। तो अब जो टूल्स हैं वो है, हमारे पास चार टूल्स हैं जिसके थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। सो ये चार टूल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो है हाइड्रा, ठीक है, और उसके बाद एयर क्रैक एनजी। ये क्या होता है, वाईफाई पासवर्ड को ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने में काम आता है। जॉन द रिपर, ये भी वेब एप्लीकेशन में काम आता है, और मेड्यूसा, मेड्यूसा भी बहुत फेमस टूल है। सो ये सारे चार सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप पासवर्ड क्रैकिंग ब्रूट फोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। अब देखो, नेट पे ना बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी कि भाई ये बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत सही काम करता है, लेकिन ये सारी जो वीडियोस होती हैं और ये जितने भी ओपिनियंस होते हैं ना, ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्निक है। एंड भाई मानो ना मानो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक पासवर्ड क्रैक करने में। सो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि एक पासवर्ड को क्रैक करने में कितना टाइम लगता है। अगर सपोज वो पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल है रमन, ठीक है, और उसका पासवर्ड है 1234, तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो जो पुरानी वेबसाइट होती थी वो ये पासवर्ड को अलाउड करती थी, लेकिन जो आज की वेबसाइट है भाई, उसमें क्या है कि अगर हम अपर केस नहीं डालोगे ना, तो वो खुद ही आपको कहती है कि भाई ये आप यूजर नेम या ये आप पासवर्ड नहीं रख सकते, क्योंकि आपने अपर केस यूज नहीं किया है, ठीक है। सो काफी सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट ऐसी हैं कि जो कहती पहले आप अपर केस यूज करो, एक सिंबल यूज करो, एक लोअर सिंबल यूज करो, एक न्यूमेरिक यूज करो। सो जब आप ये सारी चीजें यूज करते हैं ना, तो पासवर्ड जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो थोड़ी बहुत भी, और आपने परमुटेशन पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है, हम एक डिक्शनरी वाला होता है, या फिर एक पासवर्ड गेस करने के लिए एक बहुत सही टेक्निक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर पांच वर्ड है तो 5 फैक्टोरियल होता है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5P5 होता है, या 5P1 होता है, तो ये 125 या 225 या 625 जो कि आंसर है इसका, आई थिंक 625 है, तो ये आंसर आएगा। तो ऐसी ना, अगर आप अपर केस यूज कर सकते हो, तो जो पॉसिबिलिटीज होती है ना एक यूजर नेम बनने की या एक यूजर नेम पासवर्ड की, वो मिलियंस में पहुंच जाती है, ठीक है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो मैं सबसे पहले यही बता दूं, ब्रूट फोर्स अटैक यही होता है कि एक यूजर नेम लेते हैं, एक पासवर्ड लिस्ट लेते हैं, और जो दो फील्ड होती है यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड, उसमें अटैक करवाते हैं सॉफ्टवेयर की टूल से। अगर वो पास हो जाता है तो वो सक्सेस दिखा देगा कि भाई ये दो पासवर्ड और ये सब मिल गया है, और अगर वो फेल हो जाता है तो फेल दिखा देगा। अब आती है आपको लिस्ट कैसे बनानी है। लिस्ट देखो भाई, आप एक रैंडम जनरेट करके नेट पे ढूंढ सकते हो, तो अगर आप लिख दोगे ना कि ब्रूट फोर्स लिस्ट, तो ये भाई एक एक जीबी तक की मिल जाती है। एक एक जीबी में मतलब करोड़ अरबों अरबों पासवर्ड होते हैं, सो टाइमिंग बढ़ जाती है, ठीक है। या तो आप अपने खुद की एक सोच सकते हो, अब जैसे मैंने एक, अगर आपने देखा होगा मिस्टर रोबोट, एक एथिकल हैकिंग सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, उसने क्या करा था, जिस बंदे को हैक करना था उसने क्या करा, उसको फोन किया और उसके फेवरेट डॉग, पेट का नेम, उसकी लोकेशन और वो क्या काम करता था, उन सबको कंबाइन किया, उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम, उन सबको कंबाइन किया, तो एक पासवर्ड बनाया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि एक हम किसी बारे किसी के बंदे के बारे में जानते हैं, और हम सपोज कर सकते हैं कि भाई ये पासवर्ड ये ऐसा कुछ रख सकता है, तो हमने लिस्ट बनाई। लेकिन भाई कॉम्बिनेशन बना रहे हो और फिर उसको अटैक करोगे, बहुत टाइम लगता है। सो मैं यहाँ पे वो ट्यूटोरियल तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि भाई बहुत डेज लग जाते हैं और बहुत टाइम लगता है, इसलिए इतना प्रेफर नहीं करते लोग आज के टाइम पे ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है।
सो अगर आपको पढ़ना ही है तो भाई बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, नेलबाइट करके एक वेबसाइट है जहां पे आप देख सकते हैं इसके बारे में, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप बोर हो जाओगे और बहुत बेकार चीज है ब्रूट फोर्स को, अभी आज के टाइम पे बहुत बेकार है। अगर वो पासवर्ड मतलब बहुत नॉर्मल ना हो, अगर सारा पासवर्ड उसने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, और जो पासवर्ड वो भी उसमें सिर्फ स्मॉल लेटर्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हो नहीं सकता है। सो अभी जो मैं एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कितने डेज लगेंगे उस पासवर्ड को क्रैक करने में, तो मैं वो बताता हूँ, ठीक है। सो सपोज मेरे पास एक पासवर्ड है, उसमें एक लिखा हुआ है रमन, ठीक है, @123, ये एक पासवर्ड है। तो अभी हमें चेक करना है कि इसको कितने दिन लगेंगे और कितने कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले एक ये वेबसाइट है जो कि एजुकेशनल पर्पज वेबसाइट है, ये आपको बता देगी कि आपका पासवर्ड क्रैक करने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी ये पूछ रहा है आपके पासवर्ड में अपर केस कितने यूज हुए हैं। भाई मेरे पासवर्ड में अपर केस एक यूज हुआ है, लोअर केस कितने वर्ड्स यूज हुए हैं, लोअर केस में देख लेता हूँ, 1 2 3 4, 4 लोअर केस यूज हुए हैं, 4 लोअर केस। नंबर कितने यूज हुए हैं हमारे पासवर्ड में, नंबर हमारे पास 3 यूज हुए हैं। सो इसको फिल करना है, स्पेशल करेक्टर हमने यूज किया है एक, अल्फा न्यूमेरिक जो है रैंडम अल्फा न्यूमेरिक वो भी हमने एक ही यूज किया है, ठीक है। अब ये हमने नहीं किया, ठीक है, कोई वर्ड नहीं हमें पता, हमें अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल करेक्टर्स भी नहीं पता। अभी हमने बहुत छोटा सा बनाया है ये पासवर्ड, सिर्फ इस पासवर्ड को क्रैक करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। इसको हम कर देंगे सबमिट और ये चेक करके बता देगा कि हमारे पास कितना टाइम लगेगा और इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। सो आप देखो, यू योर पासवर्ड इज 10 करेक्टर लॉन्ग, ठीक है, एंड हैज अ इतने सारे कॉम्बिनेशन, भाई मैं पढ़ भी नहीं सकता ये कॉम्बिनेशन को, इतना लिखा हुआ है, ये पता नहीं कितने ही मिलियंस बिलियंस लिखे हुए हैं भाई, मैं तो ये पढ़ भी नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है, बस अच्छी बात ये है कि इसमें टाइमिंग्स कम दे रखी है, 457, ठीक है, 3.37, और यहाँ पे 19.06 डेज, मतलब 20 दिन लगेंगे इस पासवर्ड क्या करने में। अब भाई मेरे को बताओ, अगर तुम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारा ये काम नहीं है, ठीक है, तो तुम 24 घंटे अपने सर्वर क्यों ऑन, सर्वर कह रहे हो अपना कंप्यूटर क्यों ऑन रखोगे, लैपटॉप क्यों ऑन रखोगे 20 दिन तक। कोई पागल ही होगा जो 20 दिन तक यूज करेगा इसको, ठीक है। ये पासवर्ड कंप्यूटर इज इतना पासवर्ड है पर आर, और ये भी है कि आपके पासवर्ड जो है उसको इतने ट्राई करना पड़ेगा, 25,000 1 घंटे, 25,000 नहीं भाई, ये 25 मिलियन बिलियन पता नहीं कितने हैं, 1 घंटे में उसको इतने पासवर्ड यूज करने पड़ेंगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली 2007 के प्रोसेसर पे है, अंडर 10% लोड, 10% के लोड पे। अब बात करते हैं, अगर आपके जीपीयू बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, आपने हैश कैट एक टूल है, ठीक है, जिसमें जीपीयू के ऊपर वर्क करता है। सो अगर आपके है आपके पास 4 GB ग्राफिक कार्ड है, आपने वो लगा दिया ना, तो ये जो 19 डेज है ना, ये भी कम होके आ जाएंगे 5 दिन में, बस ये फायदा है, ठीक है। अब सपोज कोई, ये तो मैंने सबसे घटिया पासवर्ड लिया है, अब मैं आपको जैसे सपोज एक मैं हूं, मुझे पता भाई मुझे अपना पासवर्ड कैसे रखना है। सपोज मैंने ना अपर केस कर लिए 2 यूज, जो एक सही पासवर्ड होता है, जो एक मोस्टली लोग यूज करते हैं, जो एक वेबसाइट कहती है कि आप ऐसा पासवर्ड बनाओ, ठीक है, मैंने इसमें कर लिए 6, मेरे पास नंबर तो मैं 3 रख लिया, ठीक है, उसके बाद स्पेशल करेक्टर रख लिए 2, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक 1 रखा, उसके बाद यहाँ पे जो रैंडम अल्फा न्यूमेरिक इसको मैंने कर दिया 2, ठीक है, क्योंकि स्पेशल करेक्टर सिर्फ 1 2 नहीं होते, स्पेशल करेक्टर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पता नहीं 16 17 है, लेकिन मैं फिर भी 2 रख रहा हूँ अभी। सो ये उसी के बेस पे वर्क करेगा, अगर उन 2 बेसिस पे अगर सपोज मैंने एट द रेट यूज नहीं किया है, ठीक है, तो ये जो 19 दिन भी लगे ना, ये सब बर्बाद हो जाएंगे अगर मैंने अल्फा यूज नहीं किया है। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ 2 स्पेशल करेक्टर यूज कर रहा हूँ, और ये कोई से भी 2 स्पेशल करेक्टर उठा सकता है। मैं इसको सबमिट करता हूँ और देखता हूँ कितना टाइम लगेगा। अब देखो, पासवर्ड हमारा हो गया इतने दिन, घंटे हमारे लगेंगे इतने जो कि मैं पढ़ नहीं सकता, और डेज लगेंगे इतने। कर सकते हो तुम इतने दिन में क्रैक किसी एक का पासवर्ड, अगर कोई एक अच्छी वेबसाइट है और अच्छी चीज है, तुम इसका पासवर्ड क्रैक कर सकते हो, बताओ, ठीक है। एंड सेकंड चीज गाइज, मैं कैमरा मेरे शायद इधर है और मैं बहुत देर से इधर देख रहा हूँ, सो उसे माफ करना। सो मेरे यार फोकस रहता है स्क्रीन पे, तो मैं स्क्रीन को देखता रहता हूँ, ठीक है। सो इतने डेज लगेंगे एक पासवर्ड को क्रैक करने के, एंड योर कंप्यूटर ट्राइज, वो तो चल कंप्यूटर ट्राइज इतना है, अगर आप जीपीयू अपना अच्छा भी कर लेते हो, 10 GB जीपीयू आपका ग्राफिक कार्ड है, सो ये डेज भाई मैक्सिमम कितने कम हो जाएंगे, 9,000 डेज आ जाएंगे, 9,000 डेज भाई कितने साल होते हैं। सो इसलिए ये अटैक ज्यादा खास नहीं है और इतना अच्छा नहीं है। अगर पासवर्ड बहुत आसान है तो ठीक है, चांसेस हैं क्रैक होने के, बट अगर पासवर्ड ही
बहुत मुश्किल है, तो भाई कैसे क्रैक कर लोगे? सो ये बहुत पुराना टूल है, बहुत पुराना टेक्निक है, एंड बहुत पहले से पढ़ा जाता था और बहुत पहले ये यूज़ भी होता था, और ये बहुत अच्छा टूल काम वर्क भी करता था बहुत पहले, लेकिन आज के टाइम पे ये सब इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। एंड काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ बना रखे हैं, लोग इसको सिखाते हैं। सो मैंने सोचा आज आपको क्लियर कर दूँ ब्रूट फोर्स के बारे में। आप कभी नहीं अब पूछोगे कि भाई कैसे होता है, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, ये सब किसी से नहीं पूछोगे, क्योंकि अब आपको पता ही सबके बारे में, और आप लोगों को भी बता सकते हो कि भाई ब्रूट फोर्स अटैक जो बोलते हैं, हवा में बातें करते हैं, उनको आप ये सब चीजें समझा सकते हो, वेबसाइट का नाम भी नोट करके उनको दिखा भी सकते हो इवन। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज 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 लाइक करें एंड कमेंट करें आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। बाकी मैं कोशिश करूंगा व्लॉग्स लाने की, कंटेंट चेंज करने की, क्योंकि इन सब वीडियो से जो मैंने अभी ये वाली वीडियो भी बनाई है, इससे भी मुझे कोई मनी अर्न नहीं होगा, ये सब एड बैन हो जाएगी, ये बस मैं आपको सिखाने के लिए बनाता हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप मना गाइस।